देखो आज का वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि तुम्हारे लिए सोना इम्पोर्टेंट है। एंड अगर तुम अपने आप को कोडर या प्रोग्रामर मानते हो तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना सिर्फ तुम्हें गिटहब पे प्रोजेक्ट सपोर्ट करना सिखाऊंगा बट ऑल्सो तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम किसी भी प्रोग्रामिंग से बने स्क्रिप्ट या टूल को कैसे गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, वो भी केवल एंड्रॉइड डिवाइस को यूज करके, क्योंकि लैपटॉप या डेस्कटॉप से हर कोई कर लेता है। ओके, एंड वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा जो शायद तुम उसके बारे में जानते होगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो यार कि वो उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि तुम एग्जाम के बाद रिजल्ट आने का वेट करते हो। तो इस वीडियो को स्किप करने तो दूर तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करोगे, एंड इन सेकंड पार्ट मैंने बताया कि तुम कैसे गिटहब पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करोगे, अपने टूल्स को अपलोड करोगे, राइट। सो स्टेप नंबर वन में हम सबसे पहले गिटहब पे अकाउंट बनाएंगे। एंड याद रखना, अगर तुम अभी से ही गिटहब को यूज करना सीख गया ना, तो आई एम डैम श्योर कि तुम्हें प्लेसमेंट के टाइम पे अलग से रिज्यूमे बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पहले से ही कर रहे होगे एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब इतने बड़े काम ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तुम पूछोगे कैसे, तो समझो तुम जितने भी प्रोजेक्ट्स अपने लर्निंग के दौरान करते जाओगे, अब जिससे तुम उसे गिटहब पे अपलोड करोगे, जिससे तुम्हारे रिज्यूमे के लिए कोई अलग से प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम पहले से ही बना लिए होगे, राइट। सो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर क्रोम ब्राउजर एंड टाइप github.com, एंड इस साइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो प्लीज वहां पे क्लिक करके तुम यहां पे रीडायरेक्ट हो सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हें इस तरह के इंटरफेस दिखाई देगा। अगर तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो तो प्लीज एक्सप्लोर कर लेना, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी हमारा मेन फोकस है अकाउंट क्रिएट करना, राइट। तो ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में साइन अप वाले बटन पे क्लिक करो, एंड फिर आपसे पूछेगा कि डू यू ऑलरेडी हैव अकाउंट, अगर है तो प्लीज साइन इन कर लेना, अदरवाइज न्यू हो तो मेरे प्रोसेस पे ध्यान दो। यहाँ एक ईमेल डालो अपना जो पर्सनली तुम यूज करते हो, राइट। यहाँ पे ट्रस्ट की कोई भी इशू नहीं है, दिस वेबसाइट इज पर्सनली फॉर डेवलपर्स। एंड नेक्स्ट स्टेप में एक पासवर्ड क्रिएट करने को कहेगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना, ओके। एंड अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने नहीं आता है, सो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करो एंड वहां पे एक वीडियो आएगी, उन्हें देखो, तुम पासवर्ड क्रिएट करना सीख जाओगे। सो अब हम आते हैं वीडियो पे। आई होप कि तुमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लियो, अब कंटिन्यू करो एंड उसके बाद एक यूनिक यूजर नेम रख लो, ठीक है। मैं एक यूजर नेम पूछेगा, एक यूनिक यूजर नेम, राइट। यहाँ एक प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अगर आपको अपडेट चाहिए तो टेस्ट कर लेना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो सिंपल है, जस्ट आपको पजल सॉल्व करना है एंड एक जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद आपने जो साइन अप करते वक्त ईमेल आईडी और जो पासवर्ड डाला था उसे डालकर लॉग इन कर लो। आफ्टर दैट यू नीड हैव टू सेट अप योर प्रोफाइल फॉर बेटर लुक, ठीक है, क्योंकि आपको एक प्रोफाइल चाहिए उसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अपने अकाउंट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है। जस्ट चूज एनी प्रोफाइल पिक एंड परफेक्ट नेम फॉर रिपोजिटरी विच इज इजी टू यूज एंड राइट। याद रखना, जितना इजी तुम्हारा गिटहब का यूजर नेम होगा उतना ही जल्दी उसे गूगल रैंक करेगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट। हमारा परफेक्ट एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं। सो नाउ सेटअप इज डन, अब सिर्फ अपलोड करना बाकी है, मतलब कि अपने प्रोग्राम फाइल्स, प्रोजेक्ट्स एंड सेल्फ मेड टूल्स को गिटहब पे पुश कैसे करते हैं। सो फोकस प्लीज। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं यार कि कैसे गिटहब पे प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको जरा से भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बस मेरे स्टेप को सिंपली फॉलो करो, ओके। सो जैसे यहाँ पे आप अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे, यहाँ पे आपको अपने गिटहब अकाउंट में लॉगिन हो जाना है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप गिटहब अकाउंट क्रिएट कर सकते हो स्टार्टिंग से, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हो तो ये आपका प्रोफाइल है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे गिटहब एप्लीकेशन के पास लेके जाता हूँ। तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम गिटहब है। तो आप सिंपली जैसे इंस्टॉल कर लोगे, ये आपकी मदद करेगी यार कि मतलब आपके अभी कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोइंग आपने किया है, ये आपके बारे में प्रोफाइल्स दिखाई देगा एंड कौन से रिपोजिटरी कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ 13 रिपोजिटरी पोस्ट कर चुका हूँ, तो दिस इज द थिंग्स दैट आई हैव। अब जब मैं बात करूँ अपलोड करने की, तो आपको सिंपली क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है, राइट। ब्राउजर पे अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाना है, ठीक। एंड उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट पेज से ओपन कर लोगे, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारा प्रोफाइल है एंड राइट साइड में जो भी हमारे रिपोजिटरी का स्टैटिस्टिक है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिपोजिटरी वाले पे जैसे पे यहाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे ये यह देखो, ये रिपोजिटरी वाले पे क्लिक करो, ठीक है। एंड जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर न्यू क्या करता है बेसिकली, ध्यान से देख, ये जो न्यू है ना, यहाँ पे जैसे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे अब अपने रिपोजिटरी का नाम रखो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ आई होप कि तुम्हें परफेक्ट दिखाई देता होगा। मैं चाहता तो ये वीडियो अपने लैपटॉप में बना सकता था बट नहीं, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर वो एंड्रॉइड
एंड्रॉयड यूजर हैं तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिपोजिटरी का नाम यहाँ पे डालना है आपको, जो भी आपका टूल का नाम रखना है बोल लो, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट का नाम है तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोजेक्ट अल्फा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा, ये मान लो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो नाम है वो अवेलेबल है कि नहीं, तो अगर अवेलेबल लिखता है तो बस वो सही नाम है, ठीक है, आपने सही चुना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं तो कुछ ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देना चाहो तो ज़रूर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो जो पब्लिक है ना, यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट, तो आपको हमेशा पब्लिक रखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको रेड रेडमी फाइल ऐड करना है, ठीक है, एक रेडमी फाइल को ऐड करना है। अब रेडमी फाइल चैट जीपीटी से जनरेट कर लेना, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने गिटहब में जो प्रोजेक्ट पोस्ट करोगे या फिर अपलोड करोगे उसके लिए कैसे आप रेडमी फाइल जनरेट कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है, ओके। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा यार कैसे हम रेडमी फाइल जनरेट करते हैं, तो ज़रूर सीखना चाहिए, आई होप। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी इसको अनटिक ही रहने देना है, जब मैं आपको बताऊंगा तब वो चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिस्क्रिप्शन आप जो भी डालना चाहो डाल दो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इज डेमो प्रोजेक्ट, ओके, एक सेकेंड, दिस इज डेमो प्रोजेक्ट, राइट। इतना लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इसमें मैं क्लिक करता हूँ। एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा रिपोजिटरी एक अल्फा के नाम से क्रिएट हो जाएगा। अब यार यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस है आपकी जो चाहिए मुझे। एंड यहाँ पे देख तगड़ा कोडर के बाद यहाँ पे एक अल्फा नाम का रिपोजिटरी हमारा क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो ऊपर में। अब यहाँ पे हमारी फाइल्स एंड जो भी फोल्डर्स है, जो भी आपके टूल्स या प्रोजेक्ट्स के फाइल फोल्डर्स हैं, यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। देखो ये जितनी भी यहाँ पे कमांड लिखी हुई ना, ये बेसिकली अगर आप एक टर्मिनल से करते हो, ठीक है, जैसे टर्मक से या फिर कालिनक से करते हो, तो ये सारी कमांड्स वहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, तो अभी हम उसे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा प्रो बन जाते हो तब आप कमांड लाइन की हेल्प से आराम से कर सकते हो, ठीक है, तो मैं अभी वो एडवांस नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली देख ये आपका जो है जो भी यूआरएल बनेगा, ठीक है, मतलब कि आप इस यूआरएल को शेयर करोगे तो कोई भी बंदा गिट क्लोन करके आपका प्रोजेक्ट को यूज कर सकता है या फिर आपका टूल को यूज कर सकता है, ठीक है, ये ओवर द इंटरनेट पब्लिश होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अपलोड करना है कोड, तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट नहीं करनी है, आपको इस पे क्लिक करनी है, ठीक है, अपलोड एन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन देगा ड्रैग फाइल्स हियर टू ऐड देम टू योर रिपोजिटरी, आपको सिंपली यहाँ पे फाइल ड्रैग करनी है, आपके रिपोजिटरी में ऐड होएगी, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, हाँ, अब जैसे मैं चूज योर फाइल क्लिक करूंगा, आपको सारे फाइल्स एक जगह रख लेने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सा फाइल्स यहाँ पे अपलोड करूंगा, तो मैं यहाँ पे अपने टर्मक्स ओपन करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। एंड यहाँ देखो मेरे एक होम डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है चैट जीपीटी के नाम से, ठीक है, एंड उसके अंदर इतने सारे फाइल्स पड़े हुए हैं, देख सकते हो, ठीक है। एंड मैं इसे क्या करूंगा, सारे फाइल्स को अपलोड करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले आपको क्या करना है, बेसिकली अब कोई भी अगर आप फाइल्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली एक डायरेक्टरी बनाना है, एक फोल्डर बनाना है, एंड उसके अंदर सारे फाइल्स को डाल देना है, जैसे main.py हो गया, किसी भी एक्सटेंशन या किसी भी प्रोग्रामिंग फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल कुछ भी हो आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। एंड रेडमी फाइल भी इसी में अटैच कर देना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे रेडमी फाइल जनरेट करते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, तो अभी रेडमी पे फोकस नहीं करते हैं, बेसिकली भी यहाँ पे हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मान लो मुझे सारे अपलोड करने हैं, तो अब ध्यान से देखो जैसे मैं यहाँ पे वापस आऊंगा यहाँ पे, एंड चूज योर फाइल पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे मैं फाइल्स वाले पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखो थ्री लाइन लेफ्ट कॉर्नर के टॉप में, ठीक है, थ्री लाइन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो टर्मक्स दिखाई देगा कहीं, देखो एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ यहाँ देखो टर्मक्स दिखाई देगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे मेरा 35 GB स्पेस टर्मक्स ने ले रखा है, तो कोई बात नहीं। अब मुझे चैट जीपीटी ढूंढनी है, तो मैं चैट जीपीटी ढूंढ लेता हूँ, हाँ देखो यहाँ चैट जीपीटी है, जो भी तुम्हारा डायरेक्टरी का नाम रहेगा अपने कोडिंग देख लेना। एंड जैसे तुम इसे ओपन करोगे ना, बेसिकली यहाँ पे सारे फाइल्स हैं जो तुम्हारे सामने वहाँ पे दिख रहे थे, देखो मैं दिखाता हूँ, allapps.sh/chatgpt.py, comment.py, cookie.py, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो chatgpt.py, cookie.py, allapps.sh, यहाँ देखो allapps.sh, chatgpt.py, फिर ओके एंड comment.py, तो सारा वही सब फाइल है, मैं इसे अपलोड करूंगा। तो वापस से मैं यहाँ पे आऊंगा, एंड जिसे जिसे अपलोड करना है उस पर लॉन्ग प्रेस करके सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है। मान लो मैं ये सारा अपलोड करना चाहता हूँ ऐसे करके, ठीक है, एंड
और भी है। एंड यहाँ पे सारा हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप करोगे यहाँ पे आपका सारा फाइल्स एक एक करके अपलोड हो जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे, देखो ठीक है। अपलोडिंग 8 of 13, मैंने 13 फाइल्स यहाँ पे अपलोड में लगा दिए हैं, तो यहाँ पे सारी फाइल्स एक करके अपलोड हो गए यार ये बेसिकली पूरा। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखो करना है कमिट चेंज, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है अपलोड, अभी प्रोसेस में है, थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा एक बार, हो गया। अभी देखो यहाँ पे तुम रेडमी फाइल ऐड कर सकते हो अलग से, इसकी कोई इशू नहीं है, मैं बताऊँगा किसी अलग वीडियो में, तो ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ पे आपको अल्फ़ा वाले पे आ जाना है, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा का सारा फाइल्स दिख रहा है। अब मैं रिपोजिटरी में आऊँगा, पहले पे अपने अकाउंट में चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे देखो रिपोजिटरी वाले सेक्शन पे आऊँगा मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो अभी जो मैंने फाइल अपलोड करी वो ये है, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे सारा फाइल्स दिखाई देगा। तुम चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे टूल्स के सारे कमांड्स भी ऐड कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए रेडमी फाइल जरूर अटैच करना, वो बहुत हेल्प करती है यूजर को, ठीक है। दिस इज द वे दैट यू कैन अपलोड ओके द होल फाइल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी इशू नहीं आ गया। अब तुम इसे आराम से शेयर करो एंड टर्मक से कालीनक से किसी भी टर्मिनल में जाके गिट क्लोन कर लो, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर दूंगा अभी, तो अगर आपको डिलीट करने की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि हाँ यार डिलीट भी करनी है। एंड आपको रेडमी फाइल के ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे हम रेडमी फाइल जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, तो वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। एंड कहीं भी इशू है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करो, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट दैट। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।